हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इसी ड्राइंग को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं इसके दो पार्ट्स बना चुका हूं, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो उनको जरूर चेकआउट कर लीजिए। अच्छा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम बेसिक लेयर को ड्रॉ करने से स्टार्ट करेंगे, और जिस तरह से हमने आइस को ड्रॉ किया था उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है प्रोसेस, क्योंकि आइस में हमने काफ़ी जगह पे ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ किया था, लेकिन नोज़ पर ब्लेंडिंग हम ब्रश से ही करेंगे। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पड़ोस में जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा नॉइस इशू हो सकता है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो एज़ यूजुअल मैं पहली जो लेयर है उसको HB पेंसिल से क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा कि आपने पिछली दो वीडियोज़ में भी देखा ही होगा। इसको करना जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी अच्छे से करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के डेप्थ जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। तो सेट करने के बाद हम एक सॉफ्ट ब्रश से इसको ब्लेंड कर देंगे। और अगेन मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इस लेयर को जो अच्छी तरह से सेट करना भी ज़रूरी है, और प्लस इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना भी ज़रूरी है, तभी जाके हमें स्मूथ शेडिंग देखने को मिलेगी। और ब्लेंडिंग करने के बाद जो है थोड़ी सी चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं, तो उनको अगेन आउटलाइंस को डार्कन कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर सेकंड लेयर पर जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, मैंने सेकंड लेयर को ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं 2B पेंसिल से कर रहा हूँ। और इसको करने के बाद मैंने साथ ही साथ इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया, तो देखिए स्किन का टेक्सचर आपको स्मूथ देखने को मिल रहा होगा। अब फ्रेंड्स, लिप्स के भीतर का जो पोर्शन है उसको ड्रॉ करूँगा, जिसको मैं डायरेक्ट 2B पेंसिल से, फर्स्ट लेयर जो होगी वो डायरेक्ट 2B पेंसिल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लिप्स का सरफेस जो है वो थोड़ा सा रफ़ होता है, और जो रेफरेंस फोटो है उसमें तो काफ़ी रफ़ है, तो जिस वजह से जो है मैं डायरेक्ट 2B पेंसिल की लेयर चढ़ा रहा हूँ। फिर उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाऊँगा, उसके बाद दोनों को एक साथ ब्लेंड करूँगा। इसमें आपको ज़्यादा लेयरिंग की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपर लिप होता है उसमें जो स्ट्रोक है वो अप साइड होनी चाहिए, और जो लोअर लिप है उसमें स्ट्रोक्स नीचे की साइड होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं दो लेयर एक साथ चढ़ा के फिर उसको ब्लेंड करूँगा, तो अब मैंने 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं मिडिल वाली जो लाइन है डार्क वाली उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद इससे थोड़ी थोड़ी जो डार्क पोर्शन है उनको ड्रॉ करके एक साथ ब्लेंड करूँगा। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेता हूँ, जो कि हमें स्ट्रोक्स की डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, खासकर लिप्स वाले पोर्शन को। अब मैं छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करूँगा, जो कि जो एक तरह से जो छोटी छोटी लाइंस दिखती हैं हमको। फ्रेंड्स, स्केच करते करते आपको जो है ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी तरह से भी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह से शेडिंग करनी है। आपको जहाँ भी जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो है आप अलग पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर फर्स्ट HB पेंसिल की लेयर में बेस लेयर ग्रेड करता हूँ तो आप भी उसी से करें, आप 2B से भी कर सकते हैं। हाथ का कंट्रोल जो है वो मैटर करता है, और वो आपको जो है एक्सपीरियंस से ही आएगा, तो आप जो स्केच बनाते जाइए आपको एक्सपीरियंस भी अपने आप मिलता जाएगा। अब यहाँ जो है रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डार्क पोर्शन है, तो उसको मैं 2B पेंसिल से क्रिएट कर रहा हूँ हल्के प्रेशर से। तो आप भी अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व कीजिए और ड्रॉ करते जाइए। अब सारी डिटेल्स को करने के बाद एक बार फिर से ब्लेंड कर लेते हैं सॉफ्ट ब्रश से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, और अभी फेस पर काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम और डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए अब मैं 2B पेंसिल से अगेन जो शार्प लाइंस हैं लिप्स पर उनको ड्रॉ कर रहा हूँ, और भी जहाँ जहाँ जो ब्लेंडिंग करने के बाद जो अगेन जहाँ पर लग रहा है कि हाँ इस जगह पर शेडिंग होनी चाहिए उस जगह पर भी शेडिंग कर रहा हूँ।
ये सब चीज़ें आपको जो करते करते अपने आप जो है आपके कंट्रोल में हो जाती हैं जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलना चालू होता है। अब मैं वन लास्ट टाइम एक और बार फिर से पूरे फेस पर ब्लेंडिंग कर दूंगा, जिसके बाद जो फेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी शेडिंग वाला पोर्शन ख़त्म हुआ है फेस पर, अभी जो हाईलाइट वाले पोर्शन है, जो वाइट एरियाज हैं, उनको ड्रॉ करना भी रह गया है। तो उनके लिए मैं यूज़ करूँगा एक तो मोनो ज़ीरो इरेज़र और एक जो ये नीडेबल इरेज़र होती है जिसको आप किसी भी शेप में फोल्ड कर सकते हैं। तो इन दोनों से मैं हाईलाइट किस तरह से ड्रॉ करता हूँ आप देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं नीडेबल इरेज़र को कुछ इस तरह से साइज में काफ़ी पैनी नोक की तरह बना के, इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो फेस जैसे हमने शेड कर लिया उसके बाद कई कई जगह पे हम ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा शेडिंग हो जाती है, तो उस जगह पे ये काफ़ी काम आती है जिस जगह की पे हम नॉर्मल इरेजर से हम इसको इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल इरेजर से हम इरेज करेंगे तो वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। लेकिन नीडेबल इरेजर से हम उस जगह को हल्का कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब मैं जैसे लिप्स में जो है जो वाइट पोर्शन होते हैं उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और नोज़ के पास भी जो है शाइन लाने के लिए उस जगह पर भी। तो यानी कहने का मतलब है जहाँ जहाँ भी वाइट पोर्शन है जिसको हम नॉर्मल इरेजर से इरेज नहीं कर सकते लेकिन वो काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं फेस को 3D टाइप दिखाने में, तो उस जगह पर हम नीडेबल इरेजर का यूज़ करेंगे। और ये जो मोनो ज़ीरो इरेजर है इसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप नीडेबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ख़राब कर देगा आपके स्केच को। इसका यूज़ बेसिकली ज़्यादातर लोग हेयर्स में करते हैं और लिप्स में, और जहाँ जहाँ जो एक तरह से लाइन टाइप देनी होती है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो इसको आपको लेकिन कम प्रेशर से होल्ड करना है और जो लाइन टाइप से ड्रॉ करनी है, जैसा आप लिप्स में देख ही सकते हो लिप्स में होती हैं, और ख़ासकर हेयर्स जो होते हैं शाइनिंग हेयर्स होते हैं जो कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, वो इसी से ड्रॉ किए जाते हैं जो हाईलाइट होते हैं हेयर्स में, वो सारा आपको हेयर्स वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल मैं देखिए जिस तरह से मैं लिप्स में हाईलाइट्स दे रहा हूँ, इसी तरह से आप कहीं पर भी जहाँ भी हाईलाइट की ज़रूरत है उसको दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करना है, कहाँ पे नीडेबल इरेज़र का यूज़ करना है। होना आपके पास दोनों ही चाहिए, हालांकि मैं मानता हूँ ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं एज अ बिगिनर पर्सपेक्टिव, पर अगर आप इनको ले लेते हैं तो आपको ये काफ़ी काम आएंगे आपके स्केच में। तो फ्रेंड्स फेस तो मैंने कम्प्लीट कर लिया, अब ये जो ईयर है और ये जो नेक है इसको भी थोड़ा बना ही लेते हैं, क्योंकि अगली वाली वीडियो में फिर डायरेक्ट हेयर से शुरुआत करेंगे। तो इनको बनाना तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, क्योंकि अगर आपने फेस को ड्रॉ कर लिया तो आप इजीली जो है नेक को ड्रॉ कर ही सकते हैं, इसमें तो बस 2-3 लेयर देनी है उसके बाद जो नेक ड्रॉ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगली वीडियो में आपको और अच्छे से कॉन्टेंट प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं आगे वीडियो को तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं जस्ट डायरेक्ट ड्रॉ करूँगा, कोई इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।